नमस्कार दिनर बड़ा खबर सह अर्गस प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछि मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आकु नबा किंतु प्रथमे देखि नबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। कोरोना कटकणा भितरे राज्य रे खोलिला स्कूल श्रेणी गृह रे बसि पाठ पढ़िले दशम द्वादश श्रेणी छात्र छात्री सका दसटू साढ़े गोटाए पर्यंत चलुची क्लास मास्क पिंधिबा ओ सामाजिक दूरत्व उपरे गुरुत्व। राजधानी छाती उपरे बुलिला खंडा दिन दी प्रहर रे मास्टर कैंटीन चकरे युवकों को गोड़ाई गोड़ाई हाणिले दुर्वृत्त पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर आक्रमण होता अभियोग सीसीटीवी रे कैद है आक्रमण वीडियो सेपटे पुलिस पारिबा पणिया उपरे उठिला प्रश्न। डीएफओ अक्षय परे वे ज्योति प्रकाश ना को नहीं हट चमट ज्योति विद्याभारती संपर्क कौन आसला सौम्यरंजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट शरीर 95% पोड़ हो मृत्यु मृतदेह बाहर किरोसिन गंध। छपन कोटी टंका पिचु रास्ता केलंकारी सत खोलिबा परे बीजेडी नेता गुंडागिरी कंट्राक्टर को सुरक्षा पाई अंटा भिड़िले मंत्री तुषार कांति बेहरा और ब्लॉक चेयरमैन बाबू नायक का समर्थक अस्तरंग काकटपुर नयहार दे निवापड़ा रास्ता निर्माण में होता व्यापक अनियमितता पुणी 22 कोटी दुर्नीतिर अभियोग। एनएपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान एवं दक्षता विकास रे आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार का पदक्षेप आग को 13 भाषा एनईटी और जेई परीक्षा 2021-22 एकाडेमिक अधिवेशन आसी पारे नुआ नियम लोकसभा सूचना देले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। लाभ हिंसार रे कोरोना संक्रमित चिकित्सार अवहेला मामला अवसरप्राप्त जिला जज एवीएस नायडू करिबे तदंत नवेम्बर 1 सुधा हाइकोर्ट रे प्रदान करिबे रिपोर्ट न्यायिक तदंत आरंभ होता बेले मुह खोलू नहांती स्वास्थ्य मंत्री। मने पड़े कारगिल युद्ध रे भारतर विजय स्मृति कारगिल विजय दिवस को पालन कला सारा देश विजय पछरे निर्णायक भूमिका नहीं वीर जवान का स्मृतिचारण कले देशवासी राज्य चौद्वार केन्द्रापड़ा भद्रक को आसला वीर जवान का स्मृतिचारण दृश्य कोह फरा आखिरे एवं भी झुरुंट परिवार लोके। कोरोना कटकणा भितर राज्य खोली स्कूल श्रेणीगृह बसी पाठ पढ़ी दशम द्वादश श्रेणी छात्र छात्री सका दसटू साढ़े गोटाए पर्यंत क्लास चलुवा बेले मास्क पिंधिबा आउ सामाजिक दूरत्व उपरे गुरुत्व दि जा आज खोलिला राज्यर समस्त स्कूल आरंभ है दशम द्वादश पाठपढ़ा कोरोना कटकणा भितर आसी पाठ पढ़िले छात्र छात्री प्रथम दिन सब पिला स्कूल आसी नथिले भी स्कूल मानकु किछि छात्र छात्री आसीथिबा देखा जाइथिला सब पिलांकु स्कैनिंग करा जाय स्कूल रे प्रवेश करा जाइथिला। परे निज भितर सामाजिक दूरता रखी पाठ पढ़ा जाइथिला केवल श्रेणी गृह रे सामाजिक दूरता रक्षा करिछंती ताहा नुहे प्रार्थना मध्ये करा जाइछि शिक्षक शिक्षयित्री और अल्प किसी छात्र छात्री माने माइक जोगे प्रार्थना करथिबा बेले श्रेणी गृह रे थाई छात्र छात्री प्रार्थना रे शामिल होइतिले। अनेक पिलामानक मध्य गरीब पिलामानकर मध्य मोबाइल नथिबारु सेमानक पाठ पढ़ी पारनथिले सेथिपई सरकार एई जो नियम कोरोना कटकणा एई जो कलि नियमटा छात्र छात्री मानक पईगा सेइटा ही सब पिलामाने भल होउची माते बहुत खुशी लागुची बिकज एते मास परे गोटे फिजिकल मोड रे क्लासेस होउची तो सेटा गोटे बेटर वे पढ़िया पाई हैंड सानिटाइज कराई थर्मल स्कैनिंग कराई पिला अंडरटेकिंग रखाई पिला क्लासरूम डिस्टेंस से बसुच मास्क पिंधिक पिला रेस्पन्स भल अच्छे स्कूल मानक सका दसटू साढ़े गोटाए पर्यटन क्लास चलो
रविवार और छुट्टी दिन में विद्यालय बंद कोविड नियम अनुसार छात्र छात्री को श्रेणीगृह में पाठ पढ़ाइबार व्यवस्था कर स्कूल कर्तृपक्ष समस्ते मास्क पिंधा बाध्यतामूलक स्कूल परिसर को सानिटाइज कोविड 19 हेल्पलाइन नंबर को कैंपस प्रदर्शित करा प्रति स्कूल रे आइसोलेशन रूम खोल कोविड मॉनिटरिंग टीम गठन कर शिक्षानुष्ठान आसवा को छात्र छात्री को बाध्य अभिभावक आलोचना करने से शिक्षानुष्ठान आसवे जो छात्र छात्री स्कूल न आसीपारे अनलाइन पाठ पढ़ी पारे ऑनलाइन जमी क्लास करुले क्या पाखे मोबाइल ना से कई पिलाने क्लास करुले कई पिलाने क्लास न कर पारे से आज स्कूल आस प्रश्न उत्तर ने आज ऑनलाइन रे पढ़ा होता सत कि ऑनलाइन रे हमें जो डाउट्स गुड़ा थी हमें भूल ठीक रे बुझी पार नु स्कूल आसे गुरुजी गुरुमा को सह बुझी पारू आउ भल ऑनलाइन रे भी सब सुविधा हो पार ना स्कूल आसिक सब सुविधा हो तो भल लगुच आम एन खोल कि मैंने जो डाउटा थी आम क्लास अनुसार मैम को पचार पार्छू मैम आम ये डाउट थी आमको आमको आउ थे बुझातु कि आम सिचुएशन आम बुझी पार नु ना कौ सब्जेक्ट कौन प्रोसेसिंग केमी कौन आम ठीक भाव में जान पार नु ए सुविधा होनार द्वितीय लहर पर राज्य में दीर्घ मस है बंद रही स्कूल से अनलाइन पाठपढ़ा आरंभ करते राज्य सरकार जहाँकि सफल हैलाना एवं राज्य में संक्रमण कमुवा बेले पिलांक भविष्य को दृष्टि रखि प्रथम पर्यायर दशम और द्वादश श्रेणी को खोल जाए ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक बुलिला खंडा युवकों गोड़े गोड़े हाणिले दुर्वृत्त राजधानी छाती उपरे घटी आज एभली एक लोबो टांकुरा घटना रास्तार जाऊवा किसी लोक किसी समय पर अटकी जाते आ पूरा घटना कैद हो सीसीटीवी रे आहत तो युवकों मधर जनक ना शेख राजा बोली जमापड़ी हेले अपराधी माने दिन द्विप्रहर में यह घटना बारंबार घटा बेले पुलिस पारिबा पणिया उपरे उठी प्रश्न छाती थरा रोमहर्षक विभर्ष राजधानी छाती मास्टर कैंटीन छक बुलिला खंडा तलवार दीपहर में गोड़ाए गोड़ाए हाणिले बेस किसी समय मास्टर कैंटीन छक आतंक सृष्टि करने दुर्बृत्त माने पुलिस को चकमा दे खसीगले आ दुर्बृत्त मान आक्रमण में दुई जन गुरुतर भाव आहत होती नजर पकात यह दृश्य उपर केमी लोक मान उपस्थित दुर्बृत्त माने दुई जन व्यक्ति को गोड़ाए गोड़ाए हाणुंट मारी चली गोटे पर गोटे चुट रक्त भासुची मास्टर कैंटीन रास्ता भयर लोक मैंने दौड़ा दौड़ी होती खोद राज्य लोकसभा भवन मात्र कई मीटर दूर राज्य विधानसभा कई मीटर दूर से राजधानी छाती उपरे दुर्बृत्त मैंने आतंक सृष्टि करता बेले अपराधी मानू कि धरी पारानी पुलिस शुणु कौन कहते प्रत्यक्षदर्शी पूर्व झगड़ा को शत्रुता कर राग रखी राजा कौन कर आक्रमण कर साइद को जहाँ आक्रमण होता बेले आमर जे आन चार पिला सांग मैंने से सब कम फम कर आक्रमण बिगुड़ी राजधानी आईन श्रृंखला भूसुड़ी पड़ू आईन श्रृंखला व्यवस्था आ दिन दीपहर में लोक विभर्ष भाव हाणि खसी जापराधी हेले अपराधी को कौन पाई चेक दे पारुनी कमिशनरेट पुलिस आ राजधानी एभ घटना पर पुलिस कमिश्नर सोमेन्द्र प्रियदर्शी और डीसीपी उमाशंकर दास कार्य को नहीं साधारण उठी प्रश्न गोटेपटे अपराधी मैंने खुलम खुला अपराध घटाई चलता बेले पुलिस पेट्रोलिंग केउंठी बोली एबे प्रश्न उठी सेपटे घटनार तदंत आरंभ हो भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास आईएससी घटनास्थल पहुंचुच्च सविशेष तथ्य को आम अपेक्षा करपराधी मैंने फेरार अच्छा धरवाक चेष्टा चलती अशांत हो पड़ी राजधानी आ खोद राजधानी छाती मास्टर कैंटीन छक खंडा तलवार बुलवा
ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରର 95 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଲି ଥିବା ଏବଂ ମୃତଦେହରୁ କିରୋସିନ୍ର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜି ବରକତନଗର ଥାନାରୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ। ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ବୁକ୍ରୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଟଚମଟ। ଅକ୍ଷୟ ପରେ ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ନୋଟ୍ବୁକ୍ରେ ଥିବା ଅକ୍ଷୟ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ। କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଝିଅ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ମେ ବି ରୋଷେଇଆ ହେଇପାରେ କି ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏମାନେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନ ଆଣିଲେ କେମିତି ସେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ ସାମ୍ନାକୁ? ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ମୋତେ ଲୁଚେଇଛି, ଏ କଥା ସିଏ ଲୁଚେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ଜାଣିଛି ନା, ଆମ ପୁଅ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନଥିଲା। ସୋମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଛି ଦୁଇଟି ନାଁ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଓ ଅକ୍ଷୟ। ସେ ଭିତରେ ଆସିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଆଁରେ 95% ଶରୀର ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ସୋମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର 6 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା ପାକସ୍ଥଳୀ। ପୋଡ଼ା ଦେହରୁ କିରୋସିନ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ। କହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟରେ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରାନଯିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି କିରୋସିନରେ 95% ପୋଡ଼ିଲା, ସେ ଅନୁପାତରେ ଘରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନାହିଁ କେମିତି? ଯଦି ଲ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ। ଇଏ କେସ୍କୁ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଓରି ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ କହୁଛି ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଖସି ପଡ଼ିକି ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 95% ବର୍ନିଂ ଇଞ୍ଜୁରି କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଲ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ସିଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ କିରୋସିନ ବୋତଲ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ସୋମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯଦି 95% ଶରୀର ପୋଡ଼ିଲା ତେବେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ। ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୁଅ ବୋହୁ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ପୁଅଟା ପୋଡ଼ିଗଲା 90%, ବୋହୁର କିଛି ହେଲାନି କେମିତି, ତେଣୁ ବୋହୁ ଉପରେ ପୁରା ଡାଉଟ ଆମର। ତେଣୁ ବୋହୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ସବୁ ଆଗେ ସତ ବାହାରିବ, ସବୁ ଠିକ ହେବ ନା? ତଦନ୍ତ କାହିଁ କେଉଁଠି ହେଲା, କିଛି ତ ହେଇନି, ଆଜି 14 ଦିନ ହେଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ହେଇକି ପଚାରିବା କଥା କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ, କେମିତି 95% ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? 95% ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି, ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ 95% ବନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହାତର ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା କପଦ କଳ୍ପିତ, କାରଣ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଡେରେ କିଛି ନଥିଲା ପୋଡ଼ା ଜଳା କିଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାର ହାତର ପାପୁଲି ପଡ଼ିବ, କେବେ ଉପର ପଟେ ପଡ଼ିବନି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସୋମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ 95% ଶରୀର ପୋଡ଼ିଗଲା କେମିତି? ଯଦି ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ବୋତଲ କିରୋସିନରେ 95% ଶରୀର ପୋଡ଼ିଲା କେମିତି? ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ସିମୋଳିଆରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ 64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଚୁ କାମ, ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ହାତରେ ଉଠିଯାଉଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ଫାଦର ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ବାବୁ ନାୟକ। ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କେମିତି ବିକାଶର କାମକୁ ବାଟବଣା କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି, ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଛପନ କୋଟି ପିଚୁ ରାସ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ସାତ ଖୋଲିବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି,
कंट्राक्टरक सुरक्षा पाई अंटा भिड़िले मंत्री तुषार कांति बेहरा और ब्लॉक चेयरमैन बाबू नायकों समर्थक और सत खोलुवा लोक कले गाड़ी गुलज नजर पकात यह दृश्य उपरे 56 कोटी रास्ता कमर सत खोलीगला पर केमी होती बीजेडी रही समर्थक आमती ठिकादार सपक्ष में करुंति अस्तरंग काकटपुर नयाहाट दे निमापड़ा रास्ता निर्माण में व्यापक अनियमितता होइथिबार अभियोग हेबा परे घटनार तदंत पाई घटनास्थल को जाइथिबा बीजेपी टीम को खराब व्यवहार करिथिबार आसीछि अभियोग अभियोग परे याकु नै प्रकाश पाइछि असंतोष आ विवाद को आसीछंती राज्य सरकार तीन पावरफुल मिनिस्टर जणे मंत्री तुषार कांति बेहरा होइथिबा बेले आउ दुई जण हेउछंती समीर रंजन दास और पूर्त विभाग मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक दुई मंत्री तुषार और समीर को रास्ता नीति दिया आसवा रास्ता होता बेले सबु देखिए माने चुप थिबार अभियोग आसी आ मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक विभाग में एपरी काम चलुवा बेले केमिति मंत्री जापारे एक कथा नहीं प्रश्न उठाई बीजेपी साधारण लोक मुह बंद करमें कहार धमक को शुणबू ना कथा को जवाब दिगला जो कहले तड़ागला रास्ता खराब बोली बाहर तेणु कहार धमक को भारतीय जनता पार्टी के डरनी कि डर ना गुंडा जो दलाल मान अच्छा मंत्री मान अच्छा जी एक पैसा हड़प कर गरीब लोकर लोक मानत रास्ता को आज जेहेतु यू मीडिया करा भारतीय जनता पार्टी या लोकना को आणुच्छी तेणुक जो मैंने चोर डकैत पैसा खाई गुंडा होती धमकोर जेहेतु जेई निजे संप्रत अच्छी जेई एस डीओ एक्जिक्यूट इंजीनियर कंट्राक्टर तांकर प्रशासन रे कंट्राक्टर फॉल्स करुची ताकू मध्य मंत्री घंट घोड़ाऊ कारण मंत्री निजे ये संप्रक्ति अच्छी मंत्री तुषार कांति बेहरा एतर ये दुर्नीति संप्रक्त अच्छी सेपटे 56 कोटी पिचुकिड़ा अभियान पदा को आसी बेले आलु खोलु खोलु महादेव बाहर भली पुणी 22 कोटी दुर्नीतिर अभियोग पदा को आसी काकटपुर कोणार्क रास्ता निर्माण समान ढंग से होती भी हाथ में उठुची फड़ाफड़ा पिचु नजर पकातु यही दुईट दृश्य उपरे केमिति निम्न मानर कामर खुलासा खोद करुची रास्तार कम आ रास्ता कम कर ठिकादार बालकृष्ण महांती आउ एक खोलाखोली अभियोग बीजेपी आई घटन सीधा सीधा बिवाद को आसी खोद काकटपुर विधायक तथा मंत्री तुषार कांति बेहरा आर गडफादर तथा काकटपुर बीजेडीर हेवीवेट ब्लॉक चेयरमैन स्वाधीन ओरफ बाबू नायक तुषार एंड बाबू टीम एवं लगी ठिकादार सुरक्षा कोणार्कु काकटपुर 22 किलोमीटर रास्ता मरामति व्यवराध हो 22 कोटी टंका किंतु रास्ता कमर एक मस न पूर्ण किभली हाथ मारे उठुची फड़ाफड़ा पिचु ता प्रमाण करुची केमिति होइछि पीसी कारबार एठी जेते लोक प्रतिनिधि अछंति से माने करुचंति कोन जदि लोकंग पई होउथिबा रास्ता रे कोटी कोटी टंका दुर्नीति होउची ताले ए लोक चुप बसचंति केमिति ये निम्नमानर काम त एबे कार नहे ना ये आंदोलन सेक्रेटरीट जीवो नवीन बाबूंकर स्वच्छ शासन रे केमती पिचु मारी कोटी कोटी टंका तांको कार्यकर्ता माने नौचंती तांको मंत्री माने पीसी खाउचंती ताको आमे देखेबू एवं ई आंदोलन अहुरी व्यापक हबो राज्यरु आसीतिबा टीम टीम माध्यम रे यार पर्दाफाश कला समय रे बिजु जनता दल रे किछि मनमुखी गुंडा आसिया को दुर विरोध करूचंती या उपरे भारतीय जनता पार्टी खाली थाना रे बसिबो दृढ़ प्रतिवाद करिवो जदी जनसाधारण को पे आसीतिबा रास्ता ठीक भाबे काम न होला पीडब्ल्यूडी ऑफिस घर होबो थाना मध्य काली दरकार पहिले खेरो गबो दुर्नीतिर गंता घर पालटिछि काकटपुर निर्वाचन मंडली ब्लॉक चेयरमैन तथा बीजेडी नेता बाबू नायकंक इशारा रे काकटपुर निर्वाचन मंडली रे चालिछि कोटी कोटी टंकार दुर्नीति पूर्त विभाग पक्षरु काकटपुर निर्वाचन मंडली रे दुईटी रास्तार नवीकरण बा मरामती कार्य रे होइछि बड़ दुर्नीति अस्तरंगरु निमापड़ा 15 दिन नपूर्ण रास्तारु पिचु उठुथुवा बेले कोणार्करु काकटपुर रास्तार निम्नमान जोगु रास्तारु मध्य पिचु उठिबार लागिछि रास्ता मरामती और नवीकरण ना 64 कोटी चलु काकटपुर निर्वाचन मंडली रे कोटी कोटी टंका सरकारी अर्थ हेउची चलु सबु जानी चुप बसी जिला प्रशासन काकटपुर आदित्य प्रसाद राउत पुरी कालुचरण साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज खबर आगो को मध्य रहिछि प्राय बडी सारा किंतु समय जाइछि आउ एक विरोधी रो आगको 11 बदल 13 भाषा हेबो नीट परीक्षा
तीनिटि भाषा चलता जेई आगकु तेरटी भाषा परिचालित हेबो। पायलट प्रकल्प आधार में 2021-22 एकाडेमिक अधिवेशन नुआ नियम आसीपे एआईसीटी रे 8टी आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन। एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान एवं दक्षता विकास रे आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप नहीं। लोकसभा एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षार आंचलिक भाषा को गुरुत्व देशरे गवेषणा व्यवस्था को मजबूत करने को पदक्षेप जातीय अनुसंधान फाउंडेशन और शिक्षा मंत्रालय नुआ प्रयास एकाडेमी एवं शिल्प मध्यरे समन्वय रक्षा करने को योजना कर एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान एवं दक्षता विकास रे आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप नहीं। लोकसभा एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आगको 11 बदल 13 भाषा हेब नीट परीक्षा तीनिटी भाषा चलता जेई आगको 13टी भाषा परिचालित हेब। पायलट प्रकल्प आधार में 2021-22 एकाडेमिक अधिवेशन नुआ नियम आसीपे एआईसीटी रे 8टी आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन स्वयं प्लाटफर्म अधीन आंचलिक भाषा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रेफरेंस सामग्री अनुवाद हेबो जहां विज्ञान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मानविकता सामाजिक विज्ञान आईन परिचालना इत्यादि विभाग रे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करुछि। उच्च शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में शिक्षा रिसर्च स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मूल मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसके बारे में पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की भाषण में भी उल्लेख किया, सरकार इसी उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों को लेके गहन विचार विमर्श जारी है। आंचलिक भाषा रे योजना पई आवेदन करबा को चाहुथबा अनुष्ठान गुडी को पई एआईसीटी हैंडबुक रहिछि। अधिक संख्या रे छात्र छात्रिन को प्रवेश पई इंग्रजी भाषा रे थिबा ऑनलाइन पाठ्यक्रम को हिंदी बंगाली मराठी तेलुगु तमिल गुजराती कन्नड़ मलयालम पंजाबी आसाम एवं ओडिया रे अनुवाद करबा को एआईसीटी अनुवाद ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल व्यवहार करा जबो। ग्रामांचल रे हिंदी रे 1000 पुस्तक प्रकाशन दिगरे हरियाणा सरकार एवं एआईसीटी भितरे एमओयू चुक्ति होईची। आंचलिक भाषा रे वितरण करा जाउथबा इंजीनियरिंग रे प्रथम वर्ष रे छात्र मानक पई वर्तमान पाठ्यक्रम रो एक बाध्यतामूलक अंश छात्र इंडक्शन प्रोग्राम रहबो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देश पाळुछि कारगिल शहीद दिवस 22तम कारगिल दिवस रे मने पडुछंती शहीद जे कि देश मातृका को सुरक्षा पाई देछंती जीवन अबलिदान। शहीद राजकिशोर साहू कटक चौद्वार अंचल रो राजकिशोर ओडिशा रो प्रथम शहीद जे कि वायुसेना रो पायलट थिले शत्रु सह लड़ी प्राण हरायबा परे घर को आसीथिला फोन कॉल शुणा पर आखिरु लुह झरवा परिवर्ते पुअर वीरत्व को नहीं गर्व करते राजकिशोर बापा उद्धार फाउंडेशन पक्षर शहीद को पुष्पमाल्य अर्पण सह स्मृतिचारण कर जितेबले कथा शुणिली मो आखिर टोपे लुह बाहरी ना मो मन भर गर्व आसा जानी पुह गोटे कम कला आगे तो कैसे लोग पिला कम कर ते कारगिल वीर पुह को हर केन्द्रापड़ा माटी कारगिल युद्ध में द्राग सेक्टर में शत्रु सह लड़ी प्राण हर केन्द्रापड़ा राजकनिका ब्लक कांडिया हाट गाँवर सचिदानंद मल्लिक एकमात्र रोजगारिया पुओ को झुरी झुरी चलीगले बापा उपेन्द्र और माँ मालती
28 June 2001 केन्द्रापड़ार तत्कालीन सांसद प्रभात रंजन सामंतराय और जिलापाल कृष्णचंद्र महांती शहीद सच्चिदानंद स्मृतिस्तंभ करने भित्तिप्रस्तर स्थापन करते हेले प्रशासनिक अवहेला कारण 18 वर्ष पर्यंत कार्यकारी हो पार नथिला। परे सांसद अनुभव महांती पांठि 20 लक्ष टंका मंजूर करिबारु गत 3 मास तले शेष होइछि काम। शहीद सच्चिदानंद से मो क्लासमेट थिला तो दुर्दशा थिला पाठ आभरेज थिला किंतु एते साहसी दुर्दशा जे कल्पना बाहर कोनसी कथा को गोटे डेयरिंग नेचर थिला करिया पय डर नथिला। से 12 मार रेजिमेंट रे लांस नायक थिला जे द्रास सेक्टर रे पोस्ट को अख्तियार करे मात्र 50 फुट अछि सेतळ को से ता गोली रे 9 जन मार सारथिला ता छाती रे से गोली खाइथिला टी पड़ा पिलाटी बेले जमी से कहे मु सब कहे मुझे प्रकार अनेक डर साहस कर फाइट करी ता भी प्रतिपादित कला जिते बी दिने बालेश्वर को ठीक से कही दिने से ही समय गोटे आंबुलांस जाऊला आंबुलांस जड़े लोक मड़ी जा कही जे मु दिने ना यही अवस्था फेरबि प्रकृत ता ही घटला। से अन्य जने कारगिल शहीद निरंजन बेहरा को नहीं गर्व करछंती भद्रक बासिंदा जिलार एकमात्र कारगिल शहीद पर चांदवाली माटी गर्वित 1999 जुलाई 26 तारीख में सीमार लड़ी प्राण हर निरंजन यहापर प्रशासन प्रथम श्राद्धवार्षिकी बेस धूमधाम पालन कला परे स्मृति सभाटे भी आयोजन कर प्रशासन शहीद गाँ पांगुड़ा स्थित शहीद स्मृतिस्तंभ एवं शहीद स्मृतिपीठ अवहेलित अवस्था बर्षा दिन में स्मृतिस्तंभ चारिआड़े आंठुए पा जमी रही देश से हसी हसी प्राणबलि से बलिदान फलस्वरूप आम को जो विजय मिलला से विजय को आम पालन करने स्मृति रक्षा करवा उचित जो मटीपाई त्यागपाई आदर्श बलिदान दे जीवन को उत्सर्ग कर एकमात्र ओडिशार वीर शहीद निरंजन बेहरा आज 22 वर्ष पर भी अवहेलित केबे सरकार निद भांग केबे जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन दृष्टि पड़ो ये शहीद निरंजन बेहरा स्मृति उद्देश्य स्मृतिस्तंभ निर्माण हम और से शहीद दिवस अवसर में सभा मंच टीए प्रस्तुत हे ताबे हो दुखित प्रत वर्ष ही कही गोटे कथा रास्ता तो बहुत कष्ट रास्ता बनाई से गोटे कथ बार बार कही मत भी बहुत मानते दुख लगुच्छे प्रशासन किसी भी बुझे देश मातृकार सुरक्षापी प्राणबलि देते शहीद हेले से उचित सम्मान देवे अवहेला प्रदर्शन साधारण भूकुंचन सृष्टि कर 14 अजित स्वाई केन्द्रापड़ा राजकनिकारु कमल लोचनगिरी एवं भद्रक चांदवाली भाग्यरथी सेटिंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज प्राइम खबर को रखा नमस्कार।